काफी समय हो गया, अरे न कोई सखिया और ना कोई ऐसी, आखिर सब कहाँ चली गई। हेलो असली और नकली, इतनी जवान लगती है कन्या, अभी नया नया चेला हुआ है। अच्छा बच्चिया, पूर्ण ज्ञान नहीं है, लग रहा है। हम लोग साधु हैं, हस्त देखा पस्त देखा सब देखते, भूतकाल भविष्यकाल आगे का काल पीछे का काल मिस काल दायर काल प्राप्त काल सभी कालों के बारे में बताते हैं। अरे भविष्य काल मिस काल के बारे में नहीं, भविष्य काल मैंने भविष्य के बारे में, मिस काल दायर काल ये आगे काल वाली बातें तुम्हारी कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा बाबा देखो, ऐसे मुझे कोई काल नहीं सुननी, बस आप मेरे हाथों की रेखा देख कर बता दीजिए। आपको हाथ रेखा दिखा रही है? हाँ जल्दी आ जाओ, कौन देखता है अच्छी अभी अभी इसको हाथ हस्त रेखा देखने का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से है। अच्छा मिला, अच्छा हम बड़ी जल्दी देखे, बहुत निपुण है, नजदीकी रोशनी कर लिया तो जल्दी करीब आओ। ठीक है हस्त देखा पस्त देखा, भाग तुम्हारी तेज है आगे तुम्हारे ठीक ठाक, पीछे तुम्हारे छेद है। घबराने की बात नहीं है कन्या, सत्य कहता है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तुम्हारे घर के पीछे रोशनदान लगा है, देखो वही छेद है। तुम्हारी काल तुम्हारी रेखा में काला काला डब्बा पड़ गया, तुम्हारी रेखा फट चुकी है, यानी घोर गलन करने वाला। हाँ लंबिया सौंडिया हो गया, ये लड़की चौटन है, क्या बकवास कर रही है तुम्हारी। हम लोगों की हम तो तुम्हारे वरना शराब दे दूंगी, भस्म हो जाओगे। दे दूंगी नहीं, दे दूंगा शराब। हाँ शराब क्या होता है वो शराब में इतनी जवान लगती है कन्या। शराब 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 दे दोगे किस बात के लिए? तुमने गंगा घाट से किसी बालक को चुरा करके लाई हो, बता दे निकाल। हम लोग यूं ही अंतर्यामी बाबा हैं, बता दे निकालते हैं। मेरे बुआ जी ने कैसे कर दिया, कि निकाल रहे हैं? नहीं नहीं चुरा करके लाई, झूठ ना बोलो। आप उसे मोहब्बत करना चाहती हैं, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कहो नहीं करता है। देखो सब तुम्हारे हाथ रेखा में लिखा है, लिखा है तुम्हारी मस्तक देखा बता रहे। हाँ बाबा वे देखो, छुपाओगी तो अपने मंदिर में कामयाब नहीं होंगी। मैंने एक रेस्टोरेंट लाई थी और वो मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वो नहीं मानता मेरी बात। अच्छा घबरा मत कन्या, हम अपना निकल गए सब अगर उस बालक को हम लोगों के साथ ले आओ, हम लोग 365 मंत्र की जाप करेंगे। कितने मंत्र? 365 मंत्र। 365 वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, आगे से पीछे से दहने से बाएं से खूब प्यार करेगा। हाँ हाँ आप उसको बुलाओ हम लोगों के सामने। ठीक है दिन में करेगा रात में करेगा, बस रहने दे।
और जहां वहां वहां के देख आप बैठे हम बैठे फिर से बुलाते हैं। नंबर एक से खुश रहते हो। नंबर एक और दो और तीन क्योंकि मुझे बार बार परेशान करते हैं। मैं इस बार को परेशान नहीं करूंगी। देखो कुछ मुनि जी आए हुए हैं, आप अपने हुस्न पर जो इतना गुमान कर रहे हैं इतना रहे ना, इसलिए बुलाई हूं तुम्हें। आपके हुस्न पर कोई साधु मालूम नहीं लगते, ऐसे लगते हैं कि राजकुमार कहीं गए, लेकिन है तो बाबा ही ना। देखो कितने सुंदर है, और एक तुम हो कि मेरी बात नहीं मानते। जान के बैठो और इनसे आशीर्वाद लीजिए। जब से मैं गंगा घाट से आया हूं इसी पिंजरे में कैद, ना तो किसी की सूरत देखने को मिली, ना किसी से बात। जब भी कोई तरुण सामने रहते हैं, हाँ कम से कम इन संतों से मुलाकात तो हुई। ये कोई अपने कैसा लगता है, ये हमारे मामा मेरे चाचा जिन्हें तुम संत कहते हो जानना चाहते हो कौन है? क्या कौन है? Thank you.
सभी लोग तेरी याद में या तो सर पीटते हैं या तो तेरी याद में अपनी सूझ बूझ खो बैठे हैं। जहां तक मेरी बात है, मेरी तो दफा ही मत पूछो। आपने हमारी नींद में कुछ लिया, हमने सपने में कभी नहीं सोचा था कि शायद हमारी मुलाकात कभी अपने से होगी। किसी माता या किसी पिता का बेटा खोया हो तो कोई कसर बाकी नहीं रखता। मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा, तुझे पता चला कि तू यहाँ है, तुझे लेने के लिए आया हूँ। मेरे हाँ, लपहता है ये।
बताना चाहता है, मुझे बता मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी दादी, सब बयां करता हूँ। सब लोग कैसे लाल जी से लोग से लाल जी से लोग से हो गया लेकिन लोगों ने दुश्मनी अदा कर ली। अरे बाबा माहिर ने तुम्हारे पिता से कहा कि उधर ने इधर का सर काट लिया है, इतना बड़ा इल्जाम भरे दरबार में लगाया गया और बेरहमी के साथ एक खंभ में बांध के मेरी खाल खिंचवा ली गई। और यहां तक जल्लादों द्वारा मुझे बेइज्जत किया गया, मारा गया और मेरी आंखें कलेजा फोड़ निकलवाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने जल्लाद के हाथ मुझे सौंप दिया। लेकिन भगवान की कृपा से मैं आज जीवित हूँ। लेकिन वही दादी और चाची और माँ की बात बेटा क्या बया करो। अरे तुम्हें खोकर तुम्हारी माँ पागल जैसी हो गई है और तेरी चाची तेरी याद में सर पीट पीट कर तेरा नाम लेती है, कहती है बेटा इंदर तू कहाँ खो गया है। इसलिए मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ और तुझे ले चलूंगा, चाहे राजी से या बेराजी से। और वो जो इतनी दूर बैठे वो साथ में कौन है बता। मैं तुम्हारे प्यार में उसकी तुम्हारा भूल गया। खिलाया है ये रोपण है जो मुंडन के वक्त तुम्हारे सर के बाल इसीलिए बनाए थे। भूल जा चाचा ना कहो हमका, चाचा ना कहो ये बांसुरी।